हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एप्लीकेशन लेटर बताने वाला हूँ। जॉब एप्लीकेशन के लिए अपन कैसे एक लेटर लिख सकते हैं या मेल लिख सकते हैं। मेल का भी फॉर्मेट सेम रहता है, आप चाहें तो उसको टाइप करके भी आप कहीं भेज सकते हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम रहता है। आप चाहें पाइप पोस्ट या लेटर लिख के भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉब एप्लीकेशन, जो डेट हो आज की, जैसे मैंने 20 जून 2021 की है, सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन, फिर संदीप सिंह जो भी आपका नाम हो, B50 सापुरा अरेरा कॉलोनी भोपाल, और ईमेल आईडी संदीप सिंह संदीप 123@gmail.com, फिर कंपनी नेम जो भी आपके कंपनी का नाम हो, कंपनी एड्रेस जो भी आप कंपनी का एड्रेस हो जो भी आप लिख सकते हैं, डियर HR आप डियर की जगह रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, डियर HR महोदय सॉरी डियर HR मैनेजर सर, कंपनी जो जिस कंपनी में आप काम करते हो उसका कंपनी का नाम लिख सकते हैं, चाहते हैं वहाँ का कंपनी का नाम लिखे। आई एम करंटली लुकिंग फॉर दिस जॉब, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल। अब जो भी आपका इससे आप ग्रेजुएशन के आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आई वॉज इन्फॉर्म दैट योर फॉर्म योर और कंपनी हैज वैकेंसी एंड आई हैव इंटरेस्टेड इन योर अप्लाइड फॉर एनी ऑफ योर वैकेंट पोजिशन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई my skill and experience in my studies could make a great contribute in your firm or company. I am also willing to do extra work that you will sorry yahan pe galat likh diya maine, aap yahan change kar dein, gain more experience. I would appreciate the opportunity to discuss my qualification for any of your vacant position in great detail with your in person at your earlier conveyance. My resume is attached for your review. Sincerely, Sandeep Singh, signature attachment. आप क्या कर सकते हैं, रेज्यूमे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैं आपको एक फिर बता देता हूँ, हम आज फिर से लिखने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, संदीप सिंह जो आपका नाम हो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो आपका एड्रेस हो वो लिख सकते हैं, और यहाँ पर फ़ोन नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद में कंपनी नेम, जो भी आपका जैसे आपकी कंपनी का नाम TCS है, आपका TCS यहाँ पर लिख सकते हैं, कंपनी एड्रेस जो भी आपका बेंगलुरु में है जहाँ भी है आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड HR मैनेजर ये लिख सकते हैं, आप ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। आई एम करंटली लुकिंग फॉर द जॉब, आप ये सेम टू सेम लिख सकते हैं। आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल, आप मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैकेनिकल से है, तो मैंने मैकेनिकल से लिया। आपका अगर BA BCOM या कोई भी सी कंप्यूटर साइंस है या कोई सा भी डोमेन में हो, ग्रेजुएशन किया हो, आप यहाँ लिख सकते हैं। आई वॉज इन्फॉर्म दैट योर कंपनी और है वैकेंट पोजिशन। आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाई फॉर एनी योर वैकेंट पोजिशन। आई एम कॉन्फिडेंट दैट my skill and experience in my studies could make a great contribution in your firm or company. I am also willing to do extra work that you more experience. यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ मैंने थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। I would appreciate the opportunity to discuss my qualification for any of your vacant position in great detail with you in person at your earlier
convenient. My resume attached for your review. Sincerely, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आप इसमें आप अटैच कर रहे हैं तो अटैच में क्या, आप सबसे पहले आपका रिज्यूमे होना चाहिए और जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वहाँ का सर्टिफिकेट होगा. तो सर्टिफिकेट होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. ये सब चीज़ें लिख करके आप लेटर में ऐड कर सकते हैं. थैंक यू. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. जहाँ भी मेरे गलती होगी मैं उसके लिए सॉरी करना चाहता हूँ. बाकी मेरे हिसाब से तो ये एप्लीकेशन बहुत सही है. आप चाहे तो ये एप्लीकेशन फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.